हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालिसिस स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स के बारे में, और उसका आज हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 जुलाई 2021 के। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ही हमने चार्ट ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ इस स्टॉक में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज ये स्टॉक -1.43% गिरा है। यहाँ पे 718.05 का यहाँ पे इसका क्लोजिंग है। तो क्या ये अब मार्केट में अब ये डाउन साइड ही जाने वाला है अडानी का ये जो स्टॉक है वो, या इसमें अपसाइड कुछ आ सकता है आने वाले दिनों में, उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं हम अपने वन डे के चार्ट पे। यहाँ पे आप वन डे के चार्ट पे देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ये एक रेंज में यहाँ पे आप घूमते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो रेंज है कब से यहीं पे घूम रहा है। तो क्या अब यहाँ से अपसाइड का कुछ ऑप्शन या कुछ अपने मिलने वाला है, या फिर ये डाउन साइड ही जाने वाला है, उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली दिखाई देगा ये जो हमने सपोर्ट एरिया और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है उस बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है जो इसका, यहाँ पे अब क्या हो सकता है, क्या ये अपसाइड यहाँ पे मतलब 757 तक की टारगेट हमें दे सकता है, उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे ये जो एक पहला, यहाँ पे ये देख सकते हैं दूसरा, और यहाँ पे आज ये जो तीसरा जो आज मॉर्निंग में जो स्टार्ट पे ही हुआ था, यहाँ पे क्रॉस करके फिर वापस से नीचे साइड का मूवमेंट दिया है इसने। तो क्या अब ये यहाँ से आपको अपसाइड मिल सकता है? तो बिल्कुल यहाँ से आपको इजीली यहाँ पे अपसाइड आपको देखने मिल सकता है, और वो भी क्यों, उस बारे में भी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आपको अपसाइड इसलिए देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे मैंने जो सर्कल करके आपको दिखाया कि यहाँ पे 3 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया है। तो अब जब जब लास्ट टाइम अब जब जैसे ही यहाँ पे टेस्ट करेगा तो ये इससे क्रॉस करके ही ऊपर जाने वाला है, ये याद रखना। भले ही 757 तक ना पहुँचे, आपको यहाँ पे फिर भी ये टारगेट आपको यहाँ पे 745 के आसपास का टारगेट इजीली मिल सकता है। 742 से लेके 745 का टारगेट जब यहाँ से फर्स्ट टाइम क्रॉस किया तो यहाँ पे 742, अगर 742 को क्रॉस किया तो आपको 757 का भी इजी टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि RSI स्टॉक RSI जो आप देख सकते हैं ये अभी डाउन साइड में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कल स्टार्ट में डाउन साइड दिख सकता है, फिर उसके बाद यहाँ से कुछ आपको पुल बैक मिल सकता है। 711 से आपको पुल बैक मिल सकता है। तो याद रखें 711 में आप अगर आपको चाहिए तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ कन्फर्मेशन कैंडल ओनली। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।